जाति की गणना का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक विकास का, उन लोगों को मुख्यधारा में लाने का नाम ही सामाजिक न्याय है, इसको भी लोग जातवाद कहते हैं। एक बार देश के अंदर में सब कुछ ही गणना हो गई, जाति की गणना में क्या दिक्कत हो रही है? लेकिन ये भ्रम की स्थिति जो लोग उत्पन्न करना चाहते हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए, ये उचित नहीं है। सनातन संस्कार है, सनातन सत्य है, ये सत्य है, पर सनातन धर्मों को इस देश में अगर खतरा है तो सनातनी फांसी बात। नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। इस वक्त बिहार में जाति जनगणना का मुद्दा बेहद सुर्खियों में है। इस मामले पर कोर्ट ने फिलहाल के लिए स्टे लगा दिया है। यह मामला अभी भी कोर्ट में है, इस मामले में सुनवाई भी चल रही है। अब इसी कड़ी में आरजेडी के प्रवक्ता सह वरिष्ठ नेता शक्ति यादव ने भी इस पूरे मसले पर बयान दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि जाति जनगणना के क्या फायदे हैं, इस मसले पर उन्होंने खुलकर बात भी की है और साथ ही बता दें कि उन्होंने सनातन पर भी कई सारी बातें कही। जिस तरह से आपको मालूम ही होगा कि आरजेडी के तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है, जब से बागेश्वर धाम वाले बाबा का बिहार आगमन होने की बात सामने आई है तब से आरजेडी लगातार बागेश्वर बाबा को लेकर कोई ना कोई बयान दे रहा है। इस पर भी शक्ति यादव ने बहुत कुछ कह दिया है, तो शक्ति यादव क्या कुछ कह रहे हैं पहले वो सुनिए। बिहार है, उत्तर भारत में बिहार एक ऐसी भूमि है, राजनीति की उर्वरक ऐसी भूमि है जहाँ से कोई चीजें जब निकलती है तो सीधे उत्तर प्रदेश से होते हुए हस्तिनापुर तक पहुँचती है। ईमानदारी की बात अगर कबूलिएगा, हाल के दिनों में देखिए, हम कई सोशल मीडिया पर देखते हैं जाति के गणना से जाति का लेना देना क्या है, जाति के सर्वे से उसके मूल रहस्य को लोग भूल जाना चाहते हैं। अरे जाति की गणना का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक विकास का, उससे लेना देना है। लेकिन लोग समझते हैं कि जाति गणना क्यों हो, किसी जाति में अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, औरत हो, मर्द हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर एक बार आकलन हो जाए कि शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक स्थितियाँ क्या है, किस जाति में कमजोर लोग नहीं है, किस जाति में गरीबी नहीं है, किस जाति में गुर्बत नहीं है, किस जाति में शिक्षा नहीं है, अगर उसकी पड़ताल करने के लिए अगर सरकार निर्णय लेती है तो इसको जातपात की संज्ञा दी जाती है। सामाजिक न्याय भी जातपात नहीं हो सकता। सामाजिक न्याय की अवधारणा है जो शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी से, रोजगार से जो वंचित है, अंतिम पंक्तियों में है, उन लोगों को मुख्यधारा में लाने का नाम ही सामाजिक न्याय है, इसको भी लोग जातपात कहते हैं। जरा बताइए कि क्या इस देश के लोगों को जानने का अधिकार नहीं है कि कौन लोग हैं जो इस देश के अंदर में 51% दिहाड़ी मजदूर है? जानने की जरूरत है कि नहीं है? जानना चाहिए। अगड़ा में है, पिछड़ा में है, कमजोर तबका में है, औरत में है, मर्द में है, सबकी एक बार देश के अंदर में सब कुछ ही गणना हो गई, जाति की गणना में क्या दिक्कत हो रही है? ताकि हम उसके बजट का हम आकार बढ़ा कर करके उन चीज़ों को हम उन्मूलन कर सके, इस दिशा में एक कदम है। लेकिन ये भ्रम की स्थिति जो लोग उत्पन्न करना चाहते हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए, ये उचित नहीं है। हम कहाँ खड़े हैं? हर वर्ग में ऊंचे पदान पे लोग हैं, हर वर्ग में नीचे पदान पे लोग हैं, ये बात को तो समझनी पड़ेगी हर लोगों को। लेकिन ये धार्मिक दुर्माग चल रहा है, किसको धर्म से प्रेम नहीं है? धर्म से हर लोग को प्रेम है, लेकिन इस देश में, इस दुनिया में सबसे पुरातन धर्म सनातन है। लेकिन पुरातन धर्म सनातन होने के बावजूद भी सनातन में अंधविश्वास क्यों बढ़ा? सनातन के प्रति अविश्वास बढ़ाने वाले लोग कौन हैं? वही लोग हैं जो वृत्तिधारी हैं, जो अविश्वास पैदा करते हैं। ये बात युवाओं को समझना पड़ेगा। राम मर्यादा के प्रतीक हैं, मानना पड़ेगा। सनातन संस्कार है, सनातन सत्य है, ये सत्य है, पर सनातन धर्मों को इस देश में अगर खतरा है तो सनातनी फांसी बांधते हैं। कोई लोग पर्चा निकाल रहा है, निकालिए पर्चा। आसाराम बापू जी का पर्चा निकल गया, लोगों ने देखा। राम रहीम जी का ही पर्चा निकला है। कोई कह रहा है कि हम भगवान के अवतरण हैं, यह सनातन का अपमान है, सनातन धर्म का अपमान है। जो कोई कहता है कि हम ईश्वर के अवतरण, हम ईश्वर के अवतार हैं, ये नहीं माननी चाहिए। इसलिए हम जानना चाहते हैं अपने लोगों से, हम जात पात की परिधि से ऊपर उठे, जो कमजोर है, लाचार है, बेबस है, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उनको आगे बढ़ाने में हर कोई योगदान देने की जरूरत है। इसलिए आदरणीय नेता का अब आगमन हो चुका है मुख्य द्वार पर,
वो लगभग पहुंच चुके हैं और कई साथियों को बोलना है, इसलिए आज के मिलन समारोह में जो आए हैं IPS अधिकारी, मैं उनके तहे दिल से उनका हम स्वागत करते हैं राजद परिवार में। जैसा कि आपने सुना कि शक्ति यादव ने जनगणना के कॉन्सेप्ट को ही यहां पर क्लियर कर दिया है। उन्होंने समझा दिया है कि जनगणना क्यों होनी चाहिए, इससे क्या फायदे हैं, और इस तरह की तमाम बातें उन्होंने मिलन समारोह के दौरान कही, जहां पर मंच से वो इस मसलों पर क्लियर बात करते नजर आए, जहां पर उन्होंने सनातन पर भी खूब बोल दिया। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।